पिछले वीडियो में हमने देखा कि मुद्रास्फीति क्या है। यह समय की अवधि में कुछ वस्तुओं की कीमत में समग्र वृद्धि है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में लिंक पा सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति के प्रमुख प्रभाव क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, आई एग्जाम भी में आपका स्वागत है। KYC के एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वह है नो योर कॉन्सेप्ट, मतलब अपनी अवधारणाओं को जानें। यहाँ हम छोटे से वीडियो में बुनियादी आर्थिक और वित्तीय अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं। मुद्रास्फीति के तीन प्रमुख प्रभाव हैं, क्रय शक्ति में कमी यानी कि परचेजिंग पावर में रिडक्शन, कॉस्ट ऑफ लिविंग में वृद्धि और निवेश में प्रोत्साहन। आइए प्रत्येक को विवरण में देखते हैं। सबसे पहले क्रय शक्ति में कमी। साल 1990 में 100 रुपये से आपको 10 लीटर पेट्रोल मिल सकता था, हालांकि अब आप 100 रुपये खर्च करके केवल 1 लीटर पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि पिछले 30 वर्षों में उस 100 रुपये की क्रय शक्ति में काफ़ी कमी आई है। इस प्रकार मुद्रास्फीति लोगों की क्रय शक्ति को प्रभावित करती है, यानी कि परचेजिंग पावर को। जब तक किसी व्यक्ति की आय में तदनुसार वृद्धि नहीं होती है, तब तक मुद्रास्फीति उसे अत्यधिक पीड़ा देती है। दूसरा प्रभाव, यह निवेश को प्रोत्साहित करता है। आइए देखते हैं कैसे। हमने देखा कि समय के साथ पैसा कैसे अपना मूल्य खो देता है। इसे पैसे के मूल्य के मूल्यह्रास के रूप में भी जाना जाता है। मान लीजिए आपके घर पर आपके पास 100 रुपये हैं। यदि आप उस पैसे को बेकार में रखते हैं तो मूल्य वर्षों में कट जाएगा। विवेकपूर्ण निर्णय यह होगा कि आप उसे बैंक में जमा करें या बाजार में निवेश करें, ताकि आप उस पर कुछ प्रतिफल अर्जित कर सकें। इस प्रकार मुद्रास्फीति जनता को बैंकों में अपना पैसा बचाने या बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि घर में बेकार पड़े रहने पर उनके पैसे का ह्रास ना हो। तीसरा, कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। सबसे पहले जीवन यापन की लागत से आप क्या समझते हैं? यह एक निश्चित मानक पर जीने के लिए आपके द्वारा किए गए सभी खर्चों का योग है। उदाहरण के लिए शिक्षा की लागत, परिवहन, किराना, सब्जियां, स्वास्थ्य देखभाल, कुल मिलाकर रहने की लागत को दर्शाता है। यदि इसकी सभी कीमतों में समग्र रूप से वृद्धि होती है तो इसका हमारे वित्त पर प्रभाव पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके लिए मददगार था। हम आने वाले वीडियो में मुद्रास्फीति से संबंधित और अवधारणाओं को जारी रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं।